हेलो फूडीज, वेलकम टू रसमई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए नूडल्स की रेसिपी। नूडल्स इतनी कॉमन रेसिपी? नो डियर, ये सिंपल नूडल्स नहीं हैं। ये हैं मिलेट नूडल्स, जिसको आप अपनी वेट लॉस जर्नी में भी खा सकते हैं। और जब आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो अब आपको फेवरेट नूडल्स के लिए तरसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ वो पूरी तरीके से डाइट वाली नूडल्स हैं। और बच्चे भी नूडल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं, तो बच्चों को के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये नूडल्स मुझे फ्लेवर में बहुत अच्छे लगे। चार फ्लेवर में थे, ये चार मिलेट्स में थे। रेड राइस था, फॉक्सटेल था, मिलेट हॉर्स ग्राम था और रागी। और इसके साथ साथ जो इन्होंने सीजनिंग दी है वो बहुत ही टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी और हेल्दी भी है। और इस सीजनिंग के साथ आपको किसी भी और सीजनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये नूडल्स आप ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम अपने नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। सास पैन कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल लिया है हमने। आप चाहें तो इसकी जगह ससमी ऑयल या कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया है स्प्रिंग अनियन और साथ ही हमने डाल दिया है थोड़े से शिमला मिर्च और गाजर। आप चाहें तो पत्ता गोभी या और भी वेजीज इसमें डाल सकते हैं। जैसा भी आपको नूडल्स में वेजीज पसंद हो उस हिसाब से इसमें आप डाल सकते हैं। वेजीज की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने इसमें ज़्यादा रखी है, क्योंकि मैं चार नूडल्स चारों फ्लेवर के एक साथ आपको बना करके दिखाऊंगी। एक नूडल की रेसिपी मैं प्रोसेस पूरा बोल करके आपको समझाऊंगी और वीडियो में दिखाऊंगी, और बाकी के नूडल्स थोड़े से फास्ट फ्लिपिंग्स हैं और केवल आपको दिखाऊंगी। तो इसकी सीजनिंग में मैंने सिर्फ इस टाइम ज़रा सा नमक डाला है, जिससे कि हमारी जो ये सब्जियां हमने डाली हैं केवल उसके बराबर का बहुत ही हल्का सा नमक डाला है। क्योंकि सीजनिंग में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो पैकेट इन्होंने दिया है मसाले का उसमें लिखा हुआ है कि ऑलरेडी सॉल्ट एडेड है। सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हुई तभी हम इसमें अपने टमाटर और हरी मिर्च मैंने चॉप की हुई थी। 2 टमाटर बड़े लिए थे, उनको चॉप कर लिया था, और हरी मिर्च 7-8 ली हैं उन्हें चॉप कर लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे और टमाटर बिल्कुल हल्के से सॉफ्ट हों केवल तब तक हमें पकाना है। बहुत ही मैशी हमें नहीं करना है टमाटर को, बस हल्का सा सॉफ्ट हो तब तक हमको इसको पकाना है। सीजनिंग फ्रेंड्स, ये इसमें जो दी हुई है उसमें सारे मसाले और सभी चीज़ें इतनी अच्छे प्रोपोर्शन में थी कि मुझे फिर किसी और भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना इसमें हमको जिंजर पेस्ट या गार्लिक पेस्ट कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ ही साथ सोया सॉस, विनेगर, टोमेटो केचप वगैरह हमें कुछ भी डालने को नहीं पड़ा। जिससे कि आप जान सकते हैं कि जब हम टोमेटो केचप वगैरह इसमें यूज़ करते हैं बाज़ार वाला, तो उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो टोमेटो केचप का सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था, जो कि बिल्कुल आपको टोमेटो केचप जैसा ही फ्लेवर देगा। और फिर इसके बाद इसमें हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। रेगुलर नूडल्स में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले हम पानी बॉईल करते हैं, उसके बाद हम नूडल्स उसमें डालते हैं। और नूडल्स जब बॉयल हो जाते हैं तो पानी ड्रेन करके उसको कोल्ड वाटर से निकाल करके तब हम उसको बनाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। हमारी वेजीज पक गई थी, काफ़ी वेजीज मैंने निकाल दी हैं, 1/3 उसमें रखा था। इसी के साथ इसमें हमको 600 ml वाटर डाल देना है एक पैकेट के लिए। पर पैकेट में अलग अलग सारे पैकेट्स बनाऊंगी, सारे फ्लेवर्स को मिक्स नहीं किया है, तो एक पैकेट के लिए 600 ml वाटर लगा है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो उससे आपको 2 कप फुल कप लेना है, और दूसरा 2/3 से थोड़ा सा कम पानी आप इसमें डालेंगे। और अमाउंट में अगर आप देखें तो ये 600 ml है। ये पानी हम डालने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, जब बॉईल करने लग जाए पानी, तब हम इसमें अपने नूडल्स और मसाले को डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बट जब आप इसको बनाएंगे ना तो इतनी ये फ्लेवरफुल लग रही थी, और साथ ही साथ हम बिल्कुल भी गिल्ट फ्री होकर के इसको खा सकते हैं। हमें ये नहीं फील होगा कि हम कोई अनहेल्दी चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने मिलेट
नूडल्स का यूज़ किया है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मन करता है नूडल्स खाने का। और हम बड़े भी, क्योंकि हमने अपनी डाइट में ऑलरेडी पहले हम अपने खा चुके हैं इतने फ्लेवरफुल नूडल्स एंड स्ट्रीट वाले नूडल्स और ऑल, कि जब हम डाइट करना शुरू करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी यहीं पर रुक गई है, अब हमें फीका और बेकार खाना ही खाना है, बेरंग वाला। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल को चेकआउट करेंगे, मेरे चैनल पे और वीडियोस अगर आप देखेंगे, तो मैंने बहुत सारी ऐसी रेसिपीज शेयर की हैं जो कि बहुत कलरफुल हैं, बहुत ही टेम्पटिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, इनोवेटिव हैं और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी हैं। और सारे बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स उसमें क्या क्या हैं, वो भी मैंने बहुत कायदे से इलेबरेट किया अपनी सारी रेसिपीज में। आगे मैं अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ कि मिलेट्स के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जब मैंने अपनी मिलेट की खिचड़ी वगैरह सब डाली है, तो मैंने सब उसमें शेयर किया हुआ है कि मिलेट के बेनिफिट्स क्या हैं। और आप सभी जानते हैं कि मिलेट्स जो होते हैं वो हमारे लिए कितने हेल्दी होते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ हेल्दी और टेस्टी खा रहे हैं, तो फिर क्या बुरा है। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारे नूडल्स बन करके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी भी तीनों नूडल्स हम बना करके तैयार कर देंगे। गरम गरम इसको सर्व करिए। फ्रेंड्स, हमारे चारों नूडल्स बन करके तैयार हो गए हैं, टेबल पे लग गए हैं। और आपको देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा ये कि हमने जो है, जो नॉर्मल बाजार में मिलते हैं नूडल्स, उनसे इसको नहीं बनाया है। किसी भी गेस्ट के आके आप इसको सर्व करेंगे, तो वो भी खाने के बाद आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर 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 पूछेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी और फ्लेवरफुल नूडल्स हैं ये। तो इनको जब आप बनाइए, तो मेरे साथ उसकी ज़रूर उसे कमेंट में शेयर करिएगा कि आपने इसको बनाया कि नहीं बनाया, आपको रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं फ्रेंड्स। और भी किसी हेल्दी रेसिपी की ज़रूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अगर नूडल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। बाय बाय।